मुखे मार्गशेने तारं वितारं कर्मे भो वितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोली देवादिदेवी खजाराण से आदिनाथ भगवान की, शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, 1008 श्री देवादिदेव पुष्पदंत भगवान की, परम पूज रायचंद गढ़ाचार्य गुरु और एक्सवर्ण वीराग सागर जी मामुनि राज के, परम पूज्या भारत गौरव सहेश कोट विज्ञातीत पिणेत्री गणनी आरिका रत्न गुरुमा 105 विद्या श्री माता जी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की, परम पूज्य आरिका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय, समस्त आरिका समूह की जय। चांद के बिना रात नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, मेघ के बिना बरसात नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, मेघ के बिना बरसात नहीं होती। इसी प्रकार से सच कहती हूँ मैं कि गुरु माँ को याद किए बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती, दिन की शुरुआत नहीं होती। छत पर चुगते हुए मित्रों को देखकर मेरे मन में आया कि ये समाज के लोग इन्हें दाना डालते हैं, ये खाते हैं और पेट भरकर उड़ जाते हैं, शाम के लिए भी कुछ लेकर नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं कुछ भी संग्रह, नहीं किसी से विग्रह। क्या मानव के लिए भी कोई दिन ऐसा आएगा कि जब तृष्णा का गर्त पूरा हो जाएगा और वह पेटी ना भर करके पेट भर पाएगा, पेट भर पाएगा। वह सुधर नहीं सकता जिसे अपने दोष का अफसोस नहीं है, वह सुधर नहीं सकता जिसे अपने दोष का अफसोस नहीं है, वह निखर नहीं सकता जिसे जोश है पर होश नहीं है। अर्थ की तृष्णा में रात दिन रत रहने वाले बंधु, दुख बिखर नहीं सकता जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जिसके जीवन में संतोष नहीं। चलते हैं पर्युषण पर्व के चौथे धर्म की ओर। देखना है आज कि वह चौथा धर्म कौन सा है। चौथा धर्म है उत्तम शौच धर्म। हमें क्या शिक्षा देने आया, इसको आज गौर करना है। रोज तो वैसे कल महिलाओं के अवगुणों पर कुठाराघात हुआ था, आज पुरुषों के अवगुणों पर ज़्यादा कुठाराघात हो। ऐसा मत सोचना कि हमसे तो माता जी नहीं कहती हूँ, ओनली महिलाओं से कहती। सबका नंबर आता है, सबकी बारी आती है, कभी महिलाओं की तो कभी पुरुषों की। कल उनका नंबर था, आज आपका नंबर आया। तो शौच का मतलब क्या? शौच का अर्थ है सुचेर भावा शौच्यम। सुचेर भावा शौच्यम अर्थात शुचि भावों का होना शौच कहलाता है। शुचिता
स्वच्छता या शुद्ध होना या मन में पवित्रता रखना या निर्लोभपना होना, इसका नाम है शौच। जहाँ हमारा मन पवित्र हो गया, मन में निर्लोभता आ गई, मन में स्वच्छता आ गई, तो समझ लेना कि वहीं से हमारा विकास होना चालू हो जाएगा। मोक्ष की चार दीवारी में वही प्रवेश कर सकता है जो चार दीवारों को पहले तोड़े। कसाईयों की चार दीवार क्रोध मान माया लोभ, जब तक ये चार दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक आप मोक्ष में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये चार कसाईयों को छोड़े बिना सत्य रूपी सूर्य का उदय नहीं हो सकता। इसलिए पहले चार कसाएं क्रोध मान माया लोभ, इनको छोड़ने के लिए चार धर्म बतलाए, उसके बाद फिर सत्य आएगा। समझ में आया? कुछ लोग कहते माता जी पहले सत्य होता है कि शौच होता है। अब आप सोचो कि आप अपने कसाईयों को तोड़ो नहीं तो सत्य आ जाएगा क्या? लोभ के कारण ही सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बोलते कि नहीं। तो पहले लोभ आएगा कि पहले सत्य आ जाएगा? पहले चार कसाएं क्रम से बतलाएं, इन चार कसाईयों को हटाओगे तब सत्य रूपी सूर्य प्रकट होगा, उसके पहले हो नहीं सकता। इसलिए पहले शौच धर्म आता है, बाद में सत्य धर्म आता है। तो चार कसाईयों पर आज चौथी कसाई है, चौथे दिन। इस चौथी कसाई के लिए आज हम कर क्या बैठते हैं, क्या से क्या कर जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। तो शौच्यम यानी शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता से जब हमारा मन पूर्ण हो जाएगा तब हम कसाय से निर्वृत्त हो सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो आज हमें देखना है कि वास्तव में हमारा मन कितना अशुद्ध है, हमारे इस शौच धर्म को कौन सा शत्रु आकर के नष्ट कर रहा है। इसका शत्रु है लोभ। शौच धर्म को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? लोभ। और लोभ का अर्थ होता है लो प्लस का भा। लो का मतलब होता है लोक और भा का मतलब होता है भटकाए। जो हमें इस लोक में भटका दे उसका नाम है लोभ। क्रोध क्या करता है? हमारे क्षमा गुण को नष्ट करता है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। मान विनय गुण को नष्ट करता है और माया मैत्री को नष्ट करती है। लेकिन ये लोभ हमारा सब कुछ नष्ट कर देता है, सारे गुणों को नष्ट करने वाला है। तो ये लोभ कसाय है जो चिपकने का काम करती। क्या करती है? चिपकने। क्रोध और माया में तो रूखापन होता, लेकिन मान और लोभ में चिपकना होता है। जहाँ पर यदि हम चिपक जाएं तो छूटने का नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए लोभ आचार्यों ने चार प्रकार का बतलाया। एक अनंतानुबंधी लोभ जो कृमि राग के समान होता है। कृमि का मतलब किरमिच। अगर किरमिच का रंग किसी पर चढ़ जाए तो खाल तो उतर जाएगी पर वो रंग नहीं उतरेगा। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी लोभ यदि किसी व्यक्ति पर छा गया, चढ़ गया, तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा पर वो लोभ नहीं निकलेगा। दूसरा लोभ होता है गाड़ी के ओंगन के समान।
जो अप्रत्याख्यान कसाय का रूप धारण कर लेता, गाड़ी का ओंगन वो भी यदि शरीर पर चिपक जाए तो बहुत मेहनत करोगे तब कभी निकलेगा। गाड़ी में जो ओंगन लगाते ना काले कलर का, ग्रीस जैसा होता, ग्रीस अलग होता ओंगन अलग होता, ओंगन होता एक काले कलर का, उसको लगाते हैं शरीर पर तो चिपक जाएगा वो, बड़ी मुश्किल में छूटेगा। तो ऐसा ओंगन ये अप्रत्याख्यान कसाय का रंग जिसको चढ़ गया, ये लोभ जिसके अंदर चिपक गया, तो ये भी बड़ा खतरनाक होता है। तीसरा प्रत्याख्यान कसाय जो होता है शरीर के मैल के समान, शरीर में यदि मैल जम जाता है तो उसको भी थोड़ा रगड़ना पड़ता है जब कभी छूटता, खाली पानी डालने से नहीं छूटता, छूट जाता क्या, नहीं छूटता, उस पर भी रगड़ना पड़ता है तब छूटता। ये प्रत्याख्यान कसाय का लोभ है। और चौथा होता है संजुलन कसाय, अर्थात संजुलन कसाय हल्दी के रंग के समान, अगर हल्दी का रंग आप पर लग गया तो थोड़ा पानी डाल लो और छूट जाएगा, यानी जल्दी उतर जाएगा। तो संजुलन कसाय तो मात्र 48 मिनट की होती है, जल्दी छूट जाती। शेष कसाएँ आपको जो कसा के चिपका के रखती हैं ये इन रंगों की होती हैं, इसलिए पहले आपको अनंतानुबंधी लोभ अप्रत्याख्यान लोभ ये छोड़ना सबसे जरूरी है। बाद में दो कसाएँ तो आपकी बाद में छूटेंगी, लेकिन अनंतानुबंधी जो हमारी 6 महीने से अधिक चलती है, अनंत संसार का जो कारण बनती है, एक बार यदि आपने 6 महीने से अधिक लोभ कर लिया तो सीधा अनंत काल तक जाएगा, और अनंतानुबंधी लोभ सीधा नरक गति में जा कर के ले जाता। अब प्रत्याख्यान लोभ आपको तिर्यंज गति में ले जाता, और प्रत्याख्यान लोभ आपको मनुष्य गति में, एवं संजुलन लोभ आपको देव गति में ले जाएगा। इसलिए आप नरक में जाना चाहते हो, तिर्यंच में जाना चाहते हो कि मनुष्य में या देव में, सारी वैरायटी आपको बता दी। अब चयन करना आपको है कि आपको कौन सी गति में। लोग आकर के पूछते हैं कि माता जी आप मेरा भविष्य बता दो, मेरी गुरु माँ के पास तो कितने लोग आते हैं कि माता जी मेरा भविष्य बता दो, मैं आगे कहाँ जाऊँगा, क्या बनूँगा, मेरे पास क्या रहेगा। आप लोग भी आते ना पूछने, बहुत सारे साधुओं के पास पहुंच जाते अपनी अपनी बात को लेकर के, अपना भविष्य पूछने के लिए। तो गुरु माँ ने भी उत्तर दिया कि भाई साहब आप हमारे पास भविष्य पूछने क्यों आते हो। जब आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में सब कुछ लिख दिया कि यदि आपको नरक में जाना है तो आप खूब परिग्रह जोड़ो, नारकस्या ईशा, यानी नरक में पहुंच जाओगे बहु आरंभ परिग्रसा नारकस्या ईशा, जो बहुत आरंभ और परिग्रह करते हैं तो वो भविष्य में कहाँ जाएंगे, नरक में। अब आप हमारे पास भविष्य क्यों पूछ रहे हैं जब आपको पता है तत्वार सूत्र का सूत्र, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया। और यदि आप त्रियंच में जाना चाहते हो, बैल हाथी घोड़े आदि बनना चाहते हो, तो माया तैर्यज्ञो नस्य, मायाचारी खूब अच्छे से करो, तो आपको भविष्य में वही पद मिल जाएगा जो आप चाहते हो। समझ में आ रही बात। और यदि आप मनुष्य बनना चाहते हो तो अल्पारम परिग्रहतम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखो तो आपको
मनुष्य गति मिल जाएगी। और यदि आप देवता बनना चाहते हो तो क्या करना है? सम्यक्तम चा, सम्यक्त को धारण कर लो। अगर सम्यक्त को धारण कर लिया तो आप देवता बन जाओगे। अब बोलो, चारों भविष्य, चारों गतियाँ, सब कुछ पता है, सब हमारे हाथ में है, जो करना चाहें वो कर सकते। समझ में आई? आप जिस गति के पात्र बनना चाहते उस गति के बन सकते हो, जहाँ जाना चाहते वहाँ जा सकते हो। आपको सारा भविष्य वर्तमान में दिख रहा, जैसी एक्टिंग करोगे, जैसा एक्टर एक्टिंग करता है वही शूटिंग होती और वही पिक्चर आपके सामने रिले हो जाती है, हो जाती कि नहीं। अब आपके हाथ में है कि आपको नायक बनना कि खलनायक बनना, कौन सा आपको हीरो बनना कि जीरो बनना, कौन सा आपको एक्टर एक्टर नहीं बनना। अगर आपको नकल करना है भगवान की तो आप नायक बन जाओगे, और यदि खलनायक की नकल करोगे तो खलनायक बनोगे। अभी आपको किस ओर जाना है वही उसी ओर जा सकते। जैसी एक्टिंग करोगे वही आपको भविष्य में देखने को मिल जाएगा। रावण जैसी मान मायाचारी की एक्टिंग करोगे तो आप रावण जैसे रूप को धारण कर लोगे, और यदि राम जैसी मर्यादा की एक्टिंग करोगे तो राम बन जाओगे। अब आपको करना क्या है? मारीच जैसी एक्टिंग करोगे तो मारीच बन जाओगे, और महावीर जैसी एक्टिंग करोगे तो महावीर बन जाओगे। बस वर्तमान में एक्टिंग करना है, शूटिंग करना, और भविष्य में देखना है। आप अपने बच्चों को जिस रूप में देखना चाहते हो उसी रूप में अभी से एक्टिंग करवाएं। अगर जैसी एक्टिंग बच्चों को करवाओगे वही रूप आपको भविष्य में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि जो चार प्रकार के राग हैं, चार प्रकार के लोभ हैं, चार प्रकार के लोभ में से तीन तो खतरनाक हैं, एक थोड़ा सा अच्छा तो नहीं। लोभ को अच्छा कहना भी लोभ हो गया क्या? लोभ को अच्छा कहना भी एक लोभ हो गया कि हम अपने स्वार्थ के लिए उसको अच्छा कह देते। लेकिन अच्छा लोभ अर्थात आप धर्म का लोभ रखो, भक्ति का लोभ करो, मोक्ष का लोभ करो, दान का लोभ करो, पूजा का लोभ करो, ये लोभ तो फिर भी ठीक, ये प्रशस्त राग कहलाता। यानी यदि आपने ये लोभ कर लिया कि मुझे भगवान की भक्ति करना है, पूजा करना है, ये भी एक लोभ है, लेकिन ये प्रशस्त राग की कोटि में आ जाता, इसलिए इसको लोभ की संज्ञा नहीं दी जाती, इसको भक्ति की धर्म की संज्ञा दे देते हैं। ऐसा लोभ तो कर लेना, इसके बिना भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए यदि आपने भक्ति करने का, धर्म करने का और त्याग करने का, दान करने का यदि लोभ कर लिया तो यही दान आपके लिए त्याग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यही भक्ति आपके लिए मुक्ति में कारण बन जाएगी, यही धर्म आपको 10 धर्मों से जोड़ करके अंत में आकिंचन रूप ब्रह्मचर्य में रख देगा। समझ में आ रही? ये तो मात्र सीढ़ियां हैं, लेकिन सीढ़ी पर चढ़े बिना भी मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले आपको 10 धर्मों से जुड़ना पड़ेगा। बिना भक्ति बिना धर्म किए आप मोक्ष की मंजिल में पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए इसका लोभ तो कर लेना। भगवान के सामने जाकर के जो आप लोग रोज़ रोज़ याचना करते हो, कुछ ना कुछ आपकी याचनाएं चलती रहती हैं, चलती रहती कि नहीं?
कभी ए मिल जाए, कभी वो मिल जाए। कुछ लोग आते हैं और भगवान के सामने पर्यूषण पर्व भी चल रहे, तो आप लोग भी प्रतिदिन पूजन करते हो। कल हमने पंचमेरु पूजन करवाई थी, आज 16 कारण करवा दूं क्या? बोलो। कल पंचमेरु में पढ़ा था, पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम। परम सुख होए, पूरी गरम नरम गुड़ होए, महासुख होए, पढ़ा था ना। और आज 16 कारण पूजन, जो आप लोग इसमें कितनी कितनी अच्छी भक्ति करते हो भगवान के सामने, इतनी अच्छी भक्ति तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी आप लोग करते हो। 16 कारण पूजन करते, जय जय नाथ परम गुरु होए, छोरा मांगे छोरी होए परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। समझ में आई? भगवान के सामने आकर के भी मांगते क्या हो, या तो छोरा मांगोगे तो छोरी होएगी, ध्यान रखना। समझ में आ रही? अगर आप ऐसी भक्ति करोगे, यहाँ आकर के भी हम क्या मांग पाते? ओनली छोरा छोरी या पैसे? पारस क्या पढ़ते हो आप? भगवान पारसनाथ का रोज रोज अर्घ चढ़ाते हो? मोनेश भैया, विकल्प भैया, अर्घ चढ़ाया था, क्या पढ़ा था? पारसनाथ देव से भी आपकी करूं सदा, बनाइए करोड़पति भूलिए नहीं कदा। बोलिए, पढ़ लिया ना? यही पढ़ते ना पूजन में। मन से भले, वचन से भले आप नहीं बोलो ये शब्द, लेकिन मन में यही चलता। वचन से हम बोलते कुछ हैं, लेकिन मन में क्या सोचते कि हे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, मुझे धन संपत्ति मिल जाए, मुझे बच्चे मिल जाएं, मुझे निरोगी काया मिल जाए, मेरा परिवार अच्छा मिल जाए, बीवी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, यही तो भावना रखते कि नहीं? अनादि काल से यही याचना करते आए, प्रार्थना अच्छे से नहीं कर पाए। यदि आप याचना नहीं करते, प्रार्थना कर लेते, तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती, लेकिन उस प्रार्थना में भी मिलावट आ जाती है। आज मिलावट का इतना जमाना आ गया है, आप कहीं भी मार्केट में चले जाओ, आपको एक भी वस्तु ओरिजिनल नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? काली मिर्च में पपीता का बीज मिला मिलेगा? मिलाते कि नहीं? देसी घी में आलू मिक्स करके मिला दिए जाते, शकरकंदी कहो आलू कहो सब जमीकंद हैं। आप लोग क्या समझते हैं? हर चीज शुद्ध मिलती? हाँ माता जी, हमारी तो आजकल लिपस्टिक नाखून पॉलिश भी शुद्ध आने लगी ना। आप लोग यही बोलते हैं ना, माता जी हम तो शुद्ध वाली लगाते। कौन सी? विद्यांजलि की। क्यों आप वो करते हो? यही लोभ हो गया, यही मायाचारी हो गई। विद्यांजलि की बोल करके, शुद्ध बोल करके और बढ़िया पोत रहे अपने ओंठों पर, और माता जी ये शुद्ध है। अब बोलो, कोई लिपस्टिक भी शुद्ध होती क्या? लिपस्टिक नाखून पॉलिश भी शुद्ध होती क्या? अशुद्ध वस्तु कभी शुद्ध हो सकती क्या? हो सकती? आप खून को धो करके कभी शुद्ध कर सकते? मांस को धो करके, माता जी हमने धो लिया शुद्ध हो गया, तो हो जाएगा क्या? मल को धो करके शुद्ध कर सकते क्या? जब अपनी एक चमड़ी, एक काया भी कितनी भी धो लेना, फिर भी शुद्ध नहीं होगी। ये तो मात्र बाहरी शुद्धि है, अंतरंग में तो आपका मल खून पीप सप्त धातु भरी,
हड्डी चमड़ी आदि भरी, ये कभी सप्त धातु से रहित नहीं हो पाएगा, शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो फिर आपकी बाहरी जो अशुद्ध वस्तुएं वो कैसे शुद्ध हो जाएंगे? ऐसा लोभ भी मत करना कि हम अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कह करके अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते रहें। ये सबसे ज़्यादा मायाचारी और लोभ कहलाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी कसाएं बढ़ रही, लोभ के बारे में आचार्यों ने कह दिया कि जितना ज़्यादा लोभ बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। इच्छाओं का गड्ढा कभी भर नहीं सकता, जैसे कभी शमशान का गड्ढा भरता नहीं, पेट का गड्ढा भरता नहीं। शमशान में कितने मुर्दे जलाओ, जलाते रहो, कभी भरेगा नहीं। पेट में प्रतिदिन दोनों टाइम भोजन डालते रहो, दूसरे दिन फिर खाली। अग्नि में कितना भी ईंधन डालते जाओ, कभी पूर्ण नहीं होगा, भरेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारी इच्छाओं का गड्ढा है, इसमें कितनी भी सामग्रियां डालते जाओ, ये मनुष्य की खोपड़ी है, कभी भरती नहीं। द्रौपदी ने जब मनुष्य की खोपड़ी का एक कटोरा बनाया तो पूरी राज्य संपत्ति उसमें डाल दी गई, फिर भी इतना सा कटोरा भरा नहीं। बात क्या, उसको देखा गया कि ये स्टील का, चांदी का, पीतल का कटोरा नहीं, ये मनुष्य की खोपड़ी का कटोरा है, इसलिए नहीं भर रहा। ये मनुष्य की खोपड़ी इतनी इच्छाओं की खोपड़ी बनी हुई है कि उसको पूर्ण करना संभव नहीं। इसमें कितनी भी सामग्रियां, क्या 3 लोग की सारी संपत्ति डाल दी जाए, फिर भी ये भर नहीं पाएगी। आज आदमी पेट के लिए नहीं, मात्र पेटी के लिए दौड़ रहा। आज बोलो आप लोगों की जो दौड़ चल रही, किसके लिए, पेट के लिए कि पेटी के लिए? पेट तो सबका भर जाएगा। ऐसा कोई है दिल्ली में कि जिसके पास पेट भरने को भोजन नहीं है? बोलो कोई हो तो बता दो। यहाँ तो कहते माता जी अगर हम 10 दिन नहीं दुकान खोलेंगे तो क्या खाएंगे। अब बोलो कोई ऐसा है कि जो 10 दिन दुकान बंद करे और उसके पास खाने को नहीं हो? एक नहीं, आपकी कितनी 3 क्या 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ के रख लिया होगा, इतना है अभी, लेकिन पेटी की चिंता में लगे हैं। तो 10 दिन भी आप दुकान को बंद नहीं कर पा रहे हैं। बोलो 10 दिन क्या 10 बजे तक भी बंद नहीं कर पा रहे हैं? माता जी 8 बजे छोड़ देना, 9 बजे आप छोड़ देना, क्योंकि मुझे दुकान जाना, ऑफिस जाना। और देखो सारे पुरुष वर्ग चले भी गए अपनी पेटी की चिंता के लिए। पेट की चिंता नहीं, पेट की चिंता होती तो कितना खाना, इस पेट में 2 रोटी 4 रोटी बोलो कितना डालना, बिना कमाए भी डाल सकते हो। लोग कहते माता जी अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बोलो बिना कमाए खाने को नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हम लोगों को कैसे मिल जाता? हम लोगों को कभी कमाते हुए देखा क्या? कोई दुकान पर बैठे हुए देखा क्या? या कोई नारकियों को आपने दुकान चलाते देखा आज तक? किसी देवताओं को ऑफिस जाते हुए या दुकान चलाते हुए देखा? या किसी तिर्यंच को दुकान पर बैठा हुआ देखा क्या? बोलो देखा क्या? एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि जिसको दुकान की चिंता, ऑफिस की चिंता, किसी प्राणियों को और चिंता नहीं। भोजन तो सब करते, देवता भी बिना कमाए अमृत का पान करते, नारकी भी बिना कमाए कर्महार करता, यानी तिर्यंच भी कोई कमाता नहीं फिर भी खाता है कि नहीं, पेट तो भरता है।
बिना कमाए, साधु भी बिना कमाए ही अपना पेट भरते हैं। क्यों? मनुष्य को आज इतनी लोभ कसाए, इतना ज़्यादा लोभ छा गया कि उसका साम्राज्य खत्म नहीं हो पाता। एक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती कि दूसरी चालू हो जाती। एक इच्छा की पूर्ति कि फिर आपकी दूसरी चालू, दूसरी इच्छा की पूर्ति तीसरी चालू, यही क्रम आपका चलता रहता। इस कारण से आप कभी तृप्त नहीं हो पाते। अगर संतों के सानिध्य में आ जाओ तो संत नहीं बन पाते तो कम से कम संतोषी तो बन जाओ। संतोष गुण, संतोष धर्म यदि जिसके अंदर आ गया तो समझ लेना उसको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र जरूरत है संतोष की। अगर आप इस गुण से सम्मिलित हैं तो समझ लेना ये लोभ कसाय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन माता जी हम तो संतोष धर्म में रख लेते, बस हो गई पूजन, चलो एक घंटा पूजा कर ली, दो घंटा आप चलो, इसमें कितने जल्दी संतोष आ जाता। एक दिन आहार दे लिया, ठीक हमने दे लिया आहार, कितने जल्दी संतुष्ट हो जाते आप लोग, हो जाते ना। 10 दिन पूजा कर ली, संतुष्ट, हमने 10 दिन धर्म कर लिया। लेकिन आप कसाय करने के लिए कभी संतुष्ट नहीं हुए। इतने दिन से अनादि काल से लोभ करते आ रहे, अनादि काल से जोड़ते आ रहे, फिर भी साथ क्या गया, क्या जाएगा साथ? यदि बोलो आप लोगों के साथ जाने वाला हो तो खूब जोड़ करके रखना, जाएगा क्या? बोलो कितने कितने कंजूस, क्या मक्खी चूस सेठ हो गए। आपको पता है कि जो सुअर होता है वो सुअर हमेशा नालियों में जमीन पर मुख मारता, क्यों पता है क्या इसकी कहानी? वो सुअर पहले ज़माने में एक बहुत बड़ा सेठ था और उस सेठ ने इतना संग्रह किया, इतना जोड़ जोड़ करके रखा जमीन में, अपने धन को गाड़ करके रखा, कभी उसका दान नहीं किया और कभी उपयोग नहीं किया और जमीन में गाड़ करके रखा। उसके बाद मरण को प्राप्त हुआ तो वो सुअर बन गया और सुअर बन के अपने धन को नालियों में खोजता फिरता कि कहाँ गड़ा मेरा धन। या तो सुअर बनता है या सांप बन करके, अगर कोई तिजोड़ियों में रखता तो सांप बन के उस तिजोड़ी पर आकर के बैठ जाता है, चिपक जाता उससे। ना तो पूर्व में पहले भोग किया, ना अब अपने आने वाली पीढ़ी को भोग करने देगा, इसलिए सांप बन करके उसकी रक्षा में लगा रहता। अभी खूब कमाओ, खूब जोड़ो, लेकिन बाद में त्रियंच बन करके बैठ जाओ, फिर उसी धन की रक्षा एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हमेशा करते रहो। समझ में आ रही? अभी इतने लिप्त हो जाते हम इस धन के संग्रह में कि हम आगे का कुछ भी नहीं सोच पाते। इस धन के पीछे भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता, माँ बेटा में झगड़ा हो जाता। जैसे दूध को फाड़ने का, अलग करने का काम एक नींबू कर देता, इसी प्रकार से भाई भाई को अलग करने का काम एक पैसा कर देता। ये पैसा आज आपका 11वां प्राण बन गया। 10 प्राण तो आचार्यों ने शास्त्रों में कह दिए, लेकिन आपका 11वां प्राण ये धन बन गया। जिसके पास धन है वही धन्य है, शेष तो अधन्य है, ऐसी मानते ना। धन 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 धन, कितना भी धन धन करते रहना, जब आपका निधन हो जाएगा
तो आपका बेटा लिख देगा कि आज मेरे पिता का निधन हो गया। धन था लेकिन निर्धन बन गए। क्या लेकर गए साथ में? क्या धन साथ में लेकर जाओगे? कितने कितने कंजूस होते कि वो कभी अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते पैसे का। इतना कंजूस एक व्यक्ति था कि वो कभी तेल भी नहीं लगाता था अपने शरीर पर, और वो स्कूल जाता, बच्चों के सिर पर हाथ फेरता, बड़े प्यार से पूछता था कि बेटा किसके पुत्र हो, पापा का नाम क्या है, बड़े आराम से हाथ फेरा और तेल को लेकर के अपने शरीर में लगा लिया। कंजूसी की भी कोई हद है। अगर आपके घी में मक्खी गिर जाए फिर देखो घी फेंकोगे क्या? मक्खी को निचोड़ के मक्खी तो फेंक दोगे पर घी को नहीं फेंक पाओगे। बोलो, होता ना आपके दूध में, घी में, सब चीज़ों में मक्खियाँ गिर जाती हैं, फिर भी कंजूस इतने मक्खी चूस यानी मक्खी को चूस करके भी मक्खी फेंक दी, घी को खा लिया। यही तो मक्खी चूस और कंजूसों की कहानियाँ होती। ऐसा जोड़ जोड़ कर रख जाओगे तो क्या करोगे? आगे की पीढ़ियों को भी नहीं मिल पाएगा और स्वयं भी नहीं। कम से कम इतना आप मंदिर में डाल जाते तो आपका बैंक बैलेंस हो जाता, स्वयं को ही मिलेगा। लेकिन आप यदि इस प्रकार से कंजूस रहोगे, ना तो वर्तमान में भोग पाओगे ना भविष्य में भोगने को मिलेगा। क्या कभी आपका गड्ढा भर नहीं पाएगा? कितना भी कोशिश कर लेना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। पढ़ते कि नहीं माता जी? ये तो पूजन में तो सब कुछ पढ़ लेते, ये तो मात्र पढ़ने के लिए हैं। जीव से तो रट लेते पर जीवन में नहीं उतार पाते हैं। इन लाइनों को यदि जीवन में उतार लो तो समझ लेना कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक जल की प्यास लगती है तो जल पीने से शांत हो जाती, लेकिन धन की प्यास जिसको लग जाए तो वो धन के आने से और अधिक बढ़ जाती। जितनी आपको आवश्यकताओं की पूर्ति होगी उतनी आवश्यकताएं आपकी और बढ़ जाएंगी। आज जितने भौतिक साधन बन रहे हैं किसके लिए? आपकी पूर्ति किसके आवश्यकताओं की, क्या आकांक्षाओं की? आवश्यकता की पूर्ति तो फिर भी हो सकती, लेकिन आकांक्षा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर पूर्ति होगी तो मात्र एक संतोष गुण के कारण, निर्लोभता के कारण ही पूर्ति हो सकती। लोभ में आकर के कभी पूर्ति हो नहीं सकती, ये नियम है। एकमात्र पैसे का लोभ नहीं, कितने प्रकार के लोभ हो सकते। हमें कभी अपने शरीर का भी लोभ हो जाता, कभी नाम का भी लोभ हो जाता, कभी पद का लोभ हो जाता, कभी प्रतिष्ठा का लोभ हो जाता। हो जाता कि नहीं? मुझे लोग पूछने लगे, प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा मान बढ़ जाए, मेरा नाम पूरे संसार में हो जाए, मेरे शरीर में कोई कष्ट ना हो जाए, ये सब लोभ हो जाते कि नहीं? कौन एकासन करे? अगर मैं एकासन करूँगा, उपास करूँगा और कहीं मेरे शरीर में कोई बीमारी आ गई तो मैं दुबला हो जाऊँगा, तो बोलो लोभ है कि नहीं शरीर से? इसीलिए तो नहीं छोड़ पाते, इसीलिए तो त्याग तपस्या नहीं कर पाते इस लोभ के कारण। कितना भी शरीर से लोभ कर लेना फिर भी ये साथ नहीं जाएगा। कहा गया है कि धन कभी तिजोरी के बाहर नहीं जाता। पुत्र भी देहरी के बाहर नहीं जाती, पुत्र भी कभी शमशान के आगे नहीं जाता। इसके साथ यदि हमारे आगे जाता है
तो मात्र एक धर्म ही साथ जाता है, कर्म ही साथ जाता, जैसा करोगे वही लेकर के जाओगे। धन तो आप कितना भी जोड़ लेना, सब यहीं छूट जाएगा, और अगर आप लोग ले जाना चाहो तो ले जाओगे क्या? कौन कौन अपने साथ ले जाना चाहता बोलो, अमित भैया हम तो ले जाएंगे माता जी एरोप्लेन से, ले जाओगे बोलो, मोनिश भैया, विकल्प भैया, धन को कहाँ तक साथ ले जाओगे, स्वर्ग तक कि मोक्ष तक कि नरक में ले जाओगे या तेरे अंश में, यही रह जाएगा। फिर क्यों जोड़ना, फिर क्यों संग्रह करना बोलो, जब सबको पता कि यहीं रह जाना फिर क्यों? अभी महिलाओं के पास कम से कम अलमारियों में हजार हजार पाँच पाँच सौ साड़ियाँ होंगी, फिर भी यदि एक साड़ी पसंद आ गई तो देखना हजार नहीं दिखेंगी, वो एक दिखेगी, उसके प्रति हम चिपक जाएंगे। जब तक वो साड़ी नहीं मिलेंगी तब तक अपने पति के सामने रूठ करके बैठ जाएंगे, मुझे तो वो साड़ी चाहिए, करते ना कैसे चिपक जाते अपनी कसाई की पूर्ति के लिए, लोभ की पूर्ति के लिए। इतने ज़्यादा चिपक जाओगे तो क्या बनोगे? क्रमी बन जाओगे, क्रमी कीड़ा, जैसे कीड़ा होते ना चिपक जाते, एक कीड़ा जो गाय के थन में चिपक जाता, वो गाय के थन से निकालो तो खून तो निकल जाएगा लेकिन वो कीड़ा नहीं निकलेगा, ऐसा चिपक जाता। जैसे ये गूंच होती, गूंच अगर गूंच किसी के शरीर में चिपक जाए तो वो उस व्यक्ति के खून को चूस लेती, और अगर निकालो तो चमड़ी निकल जाएगी पर वो गूंच नहीं निकलेगी। ऐसे ही हम भी उस गूंच की तरह अपनी कसायों से चिपक जाते, धन से चिपक जाते, परिग्रह से चिपक जाते, लेकिन ध्यान रखना परिग्रह नरक का द्वार है, और अगर परिग्रह रूपी नॉन स्टॉप गाड़ी में जाकर बैठोगे तो वो सीधे नरक में जाकर के रुकेगी। अच्छे से बैठना परिग्रह की गाड़ी में, इस परिग्रह को कोई पाप भी नहीं मानता, आज तो परिग्रह वाले को पुण्यशाली कहा जाता है, कहते ना जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो बहुत पुण्यशाली है। पुण्यशाली क्यों है? क्योंकि उसने पूर्व में दान किया, सब कुछ किया, इसलिए आज मिला। और यदि आज आप जोड़ जोड़ कर रखोगे, परिग्रह सबसे ज़्यादा पाप कर्म का उदय, सबसे बड़ा परिग्रह है, यानी इस परिग्रह में पांचों पापों के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। परिग्रह के कारण ही क्रोध आता, परिग्रह के कारण ही मान बढ़ता कि मैं इतने पैसा वाला हूँ, परिग्रह के कारण ही मायाचारी करते हो, पचास की साड़ी सौ में, सौ की साड़ी हजार में, हजार की लाख में बेचते कि नहीं, ये मायाचारी परिग्रह के कारण कर रहे हैं ना। आपके पास कितनी भी सामग्री होगी फिर भी आपको अगर मंगाना है तो क्या करोगे? पति से यही बोलोगे ना, खत्म हो गई सामग्री ला दो, बोलोगे ना, झूठ भी बोलोगे, चोरी भी करोगे, जितनी चोरियां आज हो रही है परिग्रह एकत्रित करने के लिए ही तो हो रही कि नहीं। परिग्रह आज देखो यहाँ पर पूरे लाल किला के सामने चोर बाजार लगता, चोर बाजार का मतलब क्या माता जी? चोरी का सामान मिलता, सस्ते में मिल जाता, इसलिए देखो चोर बाजार में क्या भीड़ लगी रहती। ये नहीं समझते कि चोरी का माल है, कितना रद्दी है कि असली है, बस हमें तो सस्ते में मिल रहा इसलिए खरीदना है। एक बार एक व्यक्ति, वो भी इतना कंजूस था, और उसने सुना कि दिल्ली बहुत अच्छा है, दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी सामग्रियाँ मिलती,
तो उसने सोचा कि चलो मैं भी दिल्ली घूमने जाता हूँ, और अपने मित्र से कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा, वहाँ पर लाल किला घूमूँगा और वहाँ का मार्केट भी घूमूँगा, चोर बाज़ार भी देखूँगा और सारे भागीरथ मार्केट, सदर बाज़ार आदि सब घूमूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई दिल्ली जा तो रहे पर ध्यान रखना, दिल्ली में बिल्ली बन के मत आ जाना। क्यों, क्या बात है? वहाँ पर हर वस्तु दुगने भाव में मिलती। क्या, हर वस्तु दुगने भाव में मिलती? कंजूस तो था, आ गया, आया दिल्ली में, मार्केट गया और उसने सोचा कि यहाँ तो हर वस्तु दुगने भाव में मिलती है लेकिन फिर भी एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि अगर घर जाऊँगा तो बच्चे पूछेंगे कि पापा क्या लेकर आए, तो कुछ तो बताना पड़ेगा। सबकी यही भावना रहती कहीं घूमने, जैसे आप लोग जाते ना शिखर जी जाओगे तो भी कुछ ना कुछ खरीद के लाओगे। यहाँ पर भी देखते, लाल मंदिर में दुकानें लगी, आएंगे मंदिर के बहाने और दुकान पर ज़्यादा भीड़ दिखेगी। कल देखा मैंने खिड़की से कि मंदिर में तो इतने कम लोग और दुकान में इतनी भीड़, क्या बात है। मंदिर के बहाने आए, खरीदारी पहले करना, तो कुछ तो लेके जाएंगे। तो उसने भी सोचा कि जब दिल्ली आया हूँ तो कुछ तो लेकर के जाऊँगा, अगर कुछ ना कुछ खरीदूँगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि दिल्ली आया फिर भी नहीं लेकर गया। तो वो एक दुकान पर गया और उसने, बारिश तो आ रही थी, बारिश का मौसम था, वहाँ पर एक छाता देखा और छाता का रेट पूछा कि भाई कितने का है। उसने कहा 400 रुपये का। कितने? 400 रुपये का छाता। उसको अपने मित्र की बात याद आ गई कि दिल्ली में हर वस्तु दुगने भाव में मिलती। तो उसने कहा कि भैया मैं तो 200 रुपये दूंगा। तो दुकान वाला समझ गया ये कंजूस दिखता है, चलो ठीक है दे दो। उसने कहा कि ठीक भैया 200 रुपये में ले जा तू। वो कहता नहीं अब तो मैं 100 रुपये में लूँगा। उसने कहा कि चल 100 रुपये में ले जा, अब तो मैं 50 में लूँगा। क्या हुआ? 50 में लूँगा। तो उस दुकान वाले को भी गुस्सा आ गई कि कंजूसी की भी कोई हद है, 400 से 50 पे आ गया फिर भी नहीं बोलना। उसने कहा चल 50 में ले जा। तो बोला अब तो मैं फ्री में लूँगा। तो उस दुकानदार ने कल चल फ्री में ले जा, अगर एक वस्तु चली भी जाएगी तो क्या होगा, चल फ्री में ले जा। तो वो कहता मैं एक नहीं अब तो 2 लूँगा। जितना लाभ हुआ उतना लोभ बढ़ गया। इसलिए लाभ इतना मत करना, लाभ करोगे तो लोभ नियम से बढ़ेगा। क्या होगा? लोभ नियम से बढ़ेगा। तो आप लाभ क्यों कर रहे? लोभ के लिए। लोभ के लिए यदि आपको लाभ हो रहा तो ये लाभ भी अच्छा नहीं। आप अपना लोभ कसाय को कम करने के लिए आपका जितना लाभ हो उतना खर्च भी करो, दोनों का लेवल बनना चाहिए। इसलिए कहा गया कि आप अपने दाएं हाथ का नाम रखिए शुभ लाभ। क्या रखिए? दाएं हाथ का नाम रखिए शुभ लाभ और बाएं हाथ का नाम रखिए शुभ खर्च। फिर देखिए आपके जीवन में कितना अध्यात्म का आनंद आएगा। अगर आपका लाभ और खर्च बराबर लेवल पर शुभ रूप में होता रहेगा तो नियम से आपकी कसाई छूट जाएगी, आपकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी और संतोष गुण आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए इस संतोष को धारण करना है। जिसके पास आज 100 रुपये हैं वो 1000 की इच्छा करता है और जिसके पास 1000 हैं वो 1,00,000 की इच्छा कर रहा, लखपति करोड़पति बनने की चाह रखता है, करोड़पति
राज्य अधिकार चाहता है और जो राज्याधिपति बन जाता है वो स्वर्गाधिपति बनने की इच्छा में लगा लगा कि नहीं। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पा रही भाई, ऐसी इच्छा अनादि काल से करते आए और करते रहोगे। अब आपको, क्योंकि धन से कोई गरीब नहीं होता, मात्र मन से गरीब होता है। धन तो सबके पास है लेकिन मन हर किसी के पास नहीं। एक कितना भी गरीब व्यक्ति आता वो भी 10-5 हज़ार मंदिर के नाम पर खर्च कर देता, वो बड़ा सा बड़ा सेठ आ जाए अगर उसके पास मन नहीं होगा तो वो उतना भी खर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए मन से गरीब नहीं, धन से गरीब कोई नहीं, आज सब मन से गरीब हैं। इसलिए धन की चाह में मत लगे रहो, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी धन की चाह से नहीं कर सकते। अगर कर पाओगे तो संतोष गुण से कर पाओगे, त्याग से कर पाओगे। इसलिए आप इसको छोड़ करके अपने गुण में आएं और गुण की प्राप्ति करके संत नहीं तो संतोषी जरूर बन जाएं। इसी भावना से आज सभी के लिए यही आशीर्वाद है गुरु माँ का कि आप संतोषी बने और संतोषी बन करके, संत बन करके, अपने संतोष गुण में आकर के आप कसायों से मुक्त हो करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। तो चार कसाएं रूपी चार दीवार को छोड़ करके मोक्ष के चार दीवारी में प्रवेश करने के लिए यही आशीर्वाद है। इसी भावना से बोलिए उत्तम शौच धर्म की, जाप कर लेंगे ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। बोलिए उत्तम शौच धर्म की। बोलिए परम पूज्य आरिका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय। प्रश्न मंच। आज सायंकाल जो प्रतिक्रमण होगा वो बड़ा ही आपके पापों का प्रक्षालन करने वाला, आपके मन को द्रवित करने वाला, आपकी काली माँ को निकालने वाला ऐसा प्रतिक्रमण यहाँ पर होगा। शायद आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा प्रतिक्रमण यहाँ पर, जो रो रो करके यहाँ पर करवाया जाएगा। इसलिए सबको आना, सबको लेकर आना। आज आपको यही लोभ करना है कि मैं प्रतिक्रमण में जाऊँगा। रोज हम त्याग का नियम देते, आज लोभ करने का नियम दे रहे हैं। आपको पापों का प्रक्षालन करने का लोभ करना और क्या नियम दे दें, लोभ कसाय का, अर्थात कोई भी आज नई वस्तु नहीं खरीदेंगे या लोभ नहीं करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, और क्या दे दें, यही नियम बहुत है। घी का त्याग तो करोगे नहीं आज, घी कर दोगे आज, घी का त्याग करोगे, कोई नहीं करेगा। इसलिए लोभ का त्याग सही है। चलिए पांच प्रश्न भी पूछना है अभी। शौच के पांच पर्यायवाची नाम बताएं। शौच अभी हमने बोले थे ना, शौच धर्म के पर्यायवाची पांच नाम, पांच शब्द और बताने हैं शौच को और क्या क्या कहते हैं। पांच बताओ। चलो तीन तो बताएं। अरे पांच किसको आते हैं? बंदमी मदरी, पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता और सुचिता। हाँ, और एक और बताओ जो मैं रह गया। शौच धर्म तो है ही, मतलब
हाँ तो उसी के तो बताना मैंने कोमलता नहीं होगा ना। अरे अभी जो बताया था हमने संतोष नहीं, सुचिता का संतोष नहीं होगा तो चलिए जवाब बिल्कुल सही है। सुचिता, स्वच्छता, संतोष, सबसे बड़ा गुण तो यही है संतोष एवं निर्लोभता। अच्छा ज्योति की तरफ से, चलिए तो कल आपकी तरफ से दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है। किस व्यक्ति ने दुकान पर जाकर क्या खरीदा था, कैसे खरीदा था? हाँ आप बताएं। बोलो अमित भैया, अमित भैया बता रहे, पीछे पीछे आगे आ जाओ। दुकान पर किस व्यक्ति ने क्या खरीदा था? क्योंकि यही लोग जाते दुकान। छाता खरीदा था। कैसे खरीदा था? पहले उसने मतलब दुकानदार से पूछा कि कितने का छाता है, उनने कहा ये 200 रुपए का है, 400 रुपए का है, तो वो कह रहे नहीं नहीं, फिर उसने बोला कि बोलो, फिर वो बोले 200 रुपए का छाता है, फिर वो बोला 100 रुपए का है, फिर वो बोला 50 रुपए का है, तो फिर वो जाने लगे, वो बोला चलो तुम फ्री में ले लो, कहते एक नहीं मुझे दो। चलिए जवाब बिल्कुल सही है। हाँ जी आए आप, आ जाए आगे, प्राइस दे दो। लोभ के दिन ही आपने कटोरा रख दिया। यहाँ तो मनुष्य की खोपड़ी की। कोई नहीं कोई नहीं, क्या इसलिए कटोरा क्यों ले वो। सही है, चलिए सही है। आज सही है, संतोष गुण है ना, इसलिए सबको संतोष हो गया इनाम के प्रति। चलिए दूसरा अगला प्रश्न है। लोभ का शब्दार्थ क्या है? लोभ का अर्थ बताना है, शब्दों में क्या होता है? लोभ का शब्द बताया, अर्थ बतलाया था ना, लोभ का अर्थ, लोभ की परिभाषा बताना है शब्द के आधार पर। हाँ आप आए आगे। मंदामी माता जी, लालच है, लोभ का मतलब लालच, ये तो अर्थ है, अर्थ शब्द का अर्थ, लोभ लोभ का अर्थ है, लोभ का अर्थ लालच, शब्द के आधार पर अर्थ बताना है। और कोई हाँ, और कोई है क्या? आप बताएं पीछे। हाँ पीछे नामी माता जी, लोभ का अर्थ है सत्य धर्म को नष्ट करना। लोभ शब्द का शब्दार्थ बताना, शब्द का अर्थ। अरे लोभ, लोभ नहीं करना और मायाचारी छोड़ना। बोलो। हाँ इधर ये बता रहे। मैं बताऊँ क्या? नहीं इनको बताने तो आप कौन बता रहे? अच्छा आपका तो प्राइस आपके पास ही रहेगा। हाँ इनको। हाँ बोलो। लोभ शब्द का अर्थ है लोक में भ्रमण करना, लोक में भटकना, लो यानी लोक और भा यानी भटकना, लोक में जो भटकाए वो लोभ कहलाता है। इस शब्द के आधार पर अर्थ है ला, ला से लोक और भा से भ्रमण। चलिए बहुत सुंदर। हाँ आ जाएं देने के लिए, कौन आएगा? ज्योति जी, सोनिया जी आ जाओ। आप लोग तो अनुमोदना भी नहीं करते हो। चलिए आपको अपने कौन कौन से हाथ पर क्या लिखने के लिए बतलाया? हाँ अब बोलो। हाँ पीछे से आप बताएं।
चलिए जवाब बिल्कुल सही है। सीधे हाथ पर शुभ लाभ लिखना है और उल्टे हाथ पर शुभ खर्च। क्यों आज तो बड़ा संतोष आ गया सब। कोई नहीं, प्रोत्साहन है जे, खाली प्रोत्साहन है, ये सम्मान है उन्हें केवल। नहीं इसको वस्तु ना समझे, खाली सम्मान समझे। हाँ वस्तु ना समझ के सम्मान समझे इसको। चलिए अगला प्रश्न है, आपके भविष्य में जाने के लिए चार सूत्र कौन से बतलाए थे? आपका भविष्य बतलाया था चार सूत्रों में, बोलो सबको याद है ना? चार सूत्र आपके भविष्य के लिए याद नहीं? आप बताएं पीछे से। अरे आपके भविष्य के लिए जो चार सूत्र बतलाए थे याद नहीं? बताएं लीजिए। क्या धर्म का लोभ, भक्ति का लोभ, दान का लोभ, पूजा का लोभ? सूत्र, चार सूत्र जो बतलाए थे आपके, आपने हमने बोला था ना कि आप लोग पूछते हो भविष्य में कहाँ जाना है, उसके लिए चार सूत्र बतलाए थे। हाँ आप बताएं। ऐसे नहीं बताना बैठे बैठे। शशि जी आप बताएं। गलत कोई बात नहीं, गलत का सही होगा। अनंतानुबंधी नहीं, भविष्य अनंतानुबंधी क्रोध नरक गति का वो है, वो संजलन स्वर्ग गति का, और मायाचार मनुष्य गति का है। जवाब खोटू छे। नहीं सुंदर नहीं, नहीं, नहीं। अब बोले आप संजलन है। चार गतियों के बारे में बताना है, कौन सी गति का बंध किससे होता है? चलिए आप बोले, आपको भी नहीं। कौन बोल रहा? पीछे दे दें, पीछे पीछे। हाँ नरक गति का बंध किससे होता है, मनुष्य गति का किससे, त्रेंच गति का किससे, और वो ये आ गए ना पीछे। हाँ, पीछे हाँ। वंदामी माता जी, पहला बताया था अनंता अनंती बंध, दूसरा बताया था अप्रत्याख्यान बंध, और दूसरा हमने चार सूत्र पूछे गतियों आपके, का बंध किस कसाई के कारण होता है, तत्वार सूत्र के चार देव जाता है और अप्रत्याख्यान से मनुष्य गति में जाता नहीं, है ये नहीं था ना, उन्होंने बताया था कौन और, सी गति और का, किस कौन तुम लोगों ने तत्वार सूत्र के जो चार सूत्र बतलाए। बंदावी माता जी एक तो बोला था नारकतेश मायातोर्गियनस्य देवीयोनस्य और सम्यक्तम च, चार बताए थे। चलिए चार सूत्र जवाब बिल्कुल सही है, मायाचारी से अर्थात बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा, जो बहुत आरंभ परिग्रह रखता वो नरक गति में जाता, एवं माया तैर्यज्ञोनस्य, जो मायाचारी करता वो तिर्यंच गति में जाता, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्पारंभ और परिग्रह करता है वो मनुष्य गति में, और सम्यक्तम च, जो सम्यक्त को धारण करता वो देव गति में जाता है। बतलाए थे ना ये चार सूत्र। चलिए अब लोभ कितने प्रकार का बतलाया था, अब बोलो लोभ कितने प्रकार का होता है, अब बताओगे? अरे अभी तो सब बोल रहे थे, अब सब बंद हो गए। आप बताएं, आप अधूरा बता के गए थे। हाँ बताएं। तीन जल्दी जल्दी हाँ
लोग चार प्रकार बताए थे, अनंता अनंती लोग, अप्रत्याख्यान लोग, प्रत्याख्यान लोग और स्वजलन लोग। चलिए जवाब बिल्कुल सही है। हाँ प्राइज ले लीजिए, अपना सम्मान ले लीजिए। कौन सी चार दीवारों को छोड़ कर के कौन सी चार दीवारी में प्रवेश कर सकते हैं? हाँ बताएं, आप बताएं। हाँ खड़े हो जाएं, बताएं। कौन सी चार दीवारी में प्रवेश कर सकते हैं? चलिए मोक्ष की चार दीवारी में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात क्रोध मान माया लोभ रूपी चार दीवारी को तोड़कर मोक्ष की चार दीवारी में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सुंदर, चार कसाईयों को तोड़ो और मोक्ष चले जाओ। लोभी व्यक्ति मरण करके कौन कौन सा त्रियंच बन करके क्या करता है? विकल्प भैया बोलो जल्दी, विकल्प भैया अब जाप करने लगे, बोलो रूपल क्या नाम से, हाँ आप बोलो पीछे पीछे। हाँ बताएं। हाँ सुअर और सांप बनता है। क्या करता है वो सांप? नाली में लपेट कर सुअर है। क्या करता है? नाली में पानी की इसमें लपेट कर उजाला ढूंढता है। उजाला ढूंढता है सांप। अर्थात सुअर क्या करता है? नाली में अपना नहीं उजाला ढूंढता है। नाली में खोद कर धन खोदता है। हाँ पीछे जब वो मनुष्य योनि में होता है जो उसने धन जमीन में गाड़ा होता है, सुअर बनके वह धन नालियों में ढूंढता है और सांप बनकर तिजोरी पर चिपका रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए जवाब बिल्कुल सही है, अर्थात जो कंजू सेठ मरने के बाद अर्थात जो संग अपना धन गड़ा हुआ था वो सुअर बनकर के नालियों में खोजता है कि कहाँ गड़ा मेरा धन, या फिर सांप बनता है तो तिजोरी के ऊपर जा कर के रक्षा करने के लिए बैठ जाता है। बोलिए उत्तम सोच धर्म की जय, दस लक्षण महापर्व की जय।